हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मास्टर और आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो केमिस्ट्री की लघु उत्तरी क्वेश्चंस की एक वीडियो है। और इसके पिछले अति लघु उत्तरी प्रश्नों का समूह हमने दे दिया है, जो अब इसके बार हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे क्योंकि लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे और इनको आप याद कर लीजिए। अति लघु उत्तरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या हमारे चैनल पर यहाँ पर आके आप यहाँ वीडियोज पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इंटर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंटर्स की प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ट्वेल्थ का इंटर का प्लेलिस्ट है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाली प्लेलिस्ट आपकी इंटर की है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो इस पर जाके आप चेक कर सकते हैं और आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मोबाइल संबंधी और कंप्यूटर संबंधी सभी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आपको आज लघु उत्तरी लेकर आए हैं, चलिए लघु उत्तरी प्रश्नों को दिखाते हैं तब बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन में आपको लघु उत्तरी का सारा समूह दिया गया है। टोटल आपका हर एक पार्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं और इनको हमने बनाया है और एडिट किया है। अगर आपको कोई गलती दिखाई दे तो कमेंट कीजिएगा, सुधार किया जाएगा, लेकिन आपको इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे कि हैं सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये 3 से 4 अंक में आपको मिलने हैं और ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, छोटे छोटे हैं, तो इस तरह से आपको हो सकता है लघु उत्तरी में आपको ऐसे खंड खंड करके मिले क्वेश्चन, तो इसलिए आपको इसी तरह खंड खंड करके बनाया गया है। तो आपको इन खंडों को सभी को याद करना है। जैसे कि पहला, एमिनो अम्ल के विलयन में समविभव विद्युत बिंदु क्या होता है, ये है। और एमिनो अम्लों के लिए डी तथा एल विन्यास क्या होता है, ये। और जेटर आयन क्या है, ये 3 क्वेश्चन आपका फर्स्ट में है। उसके बाद आपका सेकेंड में है 2 क्वेश्चन, जैसे कि पहला है आपका प्रेरित उत्प्रेरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और उसके बाद है सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इन पर भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको 3रे क्वेश्चन में आपको कुछ आईपीएससी नाम है, जैसा कि आईपीएससी नाम आप पढ़े होंगे जरूर, तो ये आपका आईपीएससी नाम इतने हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आईपीएससी नाम बहुत सिंपल होता है। आईपीएससी बनाने की विधि के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी, एक वीडियो है, फर्स्ट वीडियो डाल दिए, सेकंड वीडियो पड़ी हुई है, कैसे आईपीएससी नाम लिखा जाएगा पूरा बहुत अच्छी तरह बताएं। वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्ले लिस्ट पर जाकर मिल जाएगी आईपीएससी नाम। तो आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। 4 नंबर है, कोलराउस नियम क्या है, इसके नियम का एक उपयोग उदाहरण से। कोलराउस का नियम आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर है, निम्नलिखित क्रियाओं में ए बी तथा सी यौगिकों का पहचान के लिए, जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये इसको आप ध्यान में रखना है। इस समीकरण में आपको जो ए बी और सी के यौगिकों को पहचान करना है और उसे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एंजाइम की क्रियाविधि को 2 पदों में समझाइए, और इसमें 2 खंड हैं आपका, एक है रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, समीकरण जो है आपको इसको पूर्ण करना है, ये जो इधर दिखाई दे रहा है इसको आपको पूर्ण करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 7 नंबर में आपको क्या है, वो है एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, और 7 नंबर में आपका हो गया, 8 नंबर में है फर्स्ट सेकंड, 2 खंड है आपको, एक है यम का +2 आयन होता है, यानी यम का आयन, और जेड में 27 के लिए चक्रण, ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ इसमें है आपका, ये चक्रण मात्र चुंबकीय घूर्ण की गणना करना है, ये है आपका 8 नंबर पहले। और दूसरे में 2 लेंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो आप पढ़े होंगे लास्ट में होता है, जो एम ब्लॉक के होते हैं, उनको आपको याद करना है कैसे कैसे क्या चीज़ें बताना है और उनको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपका क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 9 नंबर है, मिथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय है, समझाइए क्यों क्यों क्षारकीय है इसको बताना है।
उसके बाद 10 नंबर है अंतरा हलोजन तथा H2 में कौन सा अधिक सक्रिय है और क्यों, ये आपको हमने अत्रिभुत्री में क्वेश्चन डाला था तो इसमें भी आपको बता दिया क्योंकि ये बड़ा में भी आ सकता है। और 11 नंबर है यदि एक ऑक्साइड में चतुष्फलकी रिक्तिका में तत्व ए तथा अष्टफलकी रिक्तिका में तत्व बी है यानी स्थित होता है तो ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। और सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक ठोस ए बी की संरचना सीएल के प्रकार की है, मात्रा कोष्ठक के किनारों की लंबाई 4.04 एंगस्ट्रांग है और ए प्लस और बी माइनस के मध्य की दूरी क्या करें, इसके मध्य की दूरी क्या करना है। और 12 नंबर है आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा ये निम्न पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखने को जरूर आता है और टिप्पणी पर ध्यान रखिएगा जैसे कि मांड प्रक्रम और वार्न आर्किल प्रक्रम, इन पर आपको ध्यान में रखना है। 13 नंबर क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, इनको समीकरण देना है क्या होता है, जैसे कि एल्किल साइनाइड पर ए लिथियम जो होता है एल्युमिनियम H4 द्वारा आप चयन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, इसमें नाइट्रोल केन C2H5OH की उपस्थिति में SNACL से क्रिया करता है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। उसके बाद आपको सामने दिखाते हैं अगला क्वेश्चन, उसी में का खंड है C2H5CONNH2 की जो ब्रोमीन होता है यानी Br2 तथा KOH के साथ गर्म के साथ मतलब की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। अगला खंड इसमें क्या C2H5NH2 की CaCl3 तथा KOH यानी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं कास्टिक, तो इसके बाद ये कुछ अभिक्रियाएं थी क्या होता है जो आता है इसमें आपको ध्यान पता होगा। 14 नंबर है इसमें दो खंड है, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से क्रिया का समीकरण लिखना है, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से, और क्लोरो फ्लोरोकार्बन क्या है इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको। उसका 15 नंबर क्वेश्चन है कि हेलो एरिनो में नाभिक स्नेह क्रिया हेलो हेलो एल्केनों की तुलना में कठिनता से प्राप्त होती है क्यों, इसको बताना। और इसमें नेक्स्ट खंड है हेलो एल्केनों के विलोपन तथा नाभिक स्नेह क्रिया की एक उदाहरण देना है, ये चीज है। उसके बाद आपका 16 नंबर है कि आयक्स तथा खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए और द्रव स्नेह साल द्रव विरोधी साल के अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों होते हैं, ये द्रव स्नेही वाला आपको याद कर लेना है क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा दृष्टि से ठीक है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 17 नंबर को जो ठोस पितरों को चूर के रूप में क्यों प्रयुक्त किया जाता है ये याद करना है, समांगी तथा विसमांगी उत्प्रेरण को द्वारा समझाइए इम्पोर्टेंट है इसको भी ध्यान में रख लेना है। उसके बाद आपका है 0.2 ग्राम स्टिक अम्ल के 20 ग्राम बेंजीन में बने विलयन का हिमांक 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है तो बेंजीन में स्टिक अम्ल की ज्वलीकरण करना है, ज्वलीकरण होता है जो उसकी मात्रा की गणना करना है किसकी, बेंजीन में स्टिक अम्ल की। और बेंजीन के लिए आपको यहाँ पर मान दिया गया है ये ध्यान में रखना है, किसी विद्युत गुट के विलयन की चालकता तथा मोलर की परिभाषा को बताना है और शांतता के साथ इसकी प्रयोग की विवेचना करना है। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 20 नंबर में आपका दो खंड हैं, ठीक है। पहला खंड है कि ZN और CD और HG अधिक कोमल और कम गलनांक होता है क्यों, ये बताना है इसकी। और ये 4 नंबर में हो सकता है, आ सकता है लेकिन इसलिए 4 लिख दिया गया है। और इसके बाद निकिल और प्लेटिनम यौगिकों में कौन सा अधिक स्थायी होता है ये बताना है, ठीक है, यानी निकिल प्लेटिनम में कौन सा ज़्यादा। तो समझाइए कि ऊपर कर दें, समझाइए कि AS2 और AS3 के कोलाइडेड आवेशित क्यों होते हैं ये बताना है अगला है। उसके बाद आपका इसी में का खंड है हार्डे सुलझे का नियम उल्लेख कीजिए, ये है आपका प्रश्न नंबर 22 यहाँ चला गया है, सॉरी इसको यहाँ पे हमें इंटर करना, लेकिन PDF तैयार हो गया है इसलिए अभी हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 22 नंबर प्लस यहाँ से है। थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग घोलक में क्या अंतर होता है, दोनों के एक उदाहरण दीजिए, या तो उत्तरी में हमने दिया था चाहे उसमें ले लीजिए चाहे इसमें, दोनों में से आपको एक में याद कर लेने काम आ जाएगा, तो ये 22 नंबर जरूर याद कर लें। 23 नंबर में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनो विभेद विभेद करना क्या है, इसके संबंधित अभिक्रिया को ही बताना है क्या अंतर है इसको और अभिक्रिया को। ल्यूकास परीक्षण क्या है, परीक्षण से प्राप्त परिणाम बताना है ल्यूकास, ये भी आपको ध्यान में रखना है ल्यूकास वाला। उसके बाद टिप्पणी कुछ है, इन टिप्पणियों पर जरूर ध्यान रखिएगा, टिप्पणी जैसे है पहला पेप्टीकरण, दूसरा है अपोहन, टिंडल प्रभाव एंड पायसी कारक, इन पांचों ये सॉरी चारों टिप्पणी को ध्यान में रखना है। आपकी IPSC नाम इसमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अतिलोकोत्तरी में भी हमने दिया है कुछ IPSC नाम, इसमें भी IPSC नाम दे देते हैं, इन सब का IPSC नाम आपको बनाना है, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक यहाँ पर IPS, 4 IPS इनाम है, ध्यान में रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है, इसमें सारी चीज़ें हम डालती हैं। तो एक बार हम बैग चलते हैं, धीरे धीरे आप पहुँच करके सारी चीज़ें लिख सकते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद जो भी हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करके उसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने हर एक ग्रुप में, हर जगह, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके और इन क्वेश्चन को तैयार कर सकें। और अगर चैनल अपने प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हम मोबाइल और कंप्यूटर और इस एजुकेशनल संबंधी, हाई स्कूल इंटर संबंधी वीडियोज आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है। अगर आपको जरा से भी सहायता करते रहेंगे तो इस तरह से हम अच्छे से अच्छे सुधार करते रहेंगे। इस वीडियो को हमने खुद तैयार किया है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, हमारा थंबनेल, हमारा बैकग्राउंड इमेज, सारी चीज़ें लगी हुई हमने बनाया है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा, ठीक है। और इस तरह की हर एक फिजिक्स, इसका भी लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी पहले डाल दिए, लघु उत्तरी भी डाल दिए हैं, इसके बाद दीर्घ उत्तरी डाल देंगे, टोटल केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा, फिजिक्स भी डाल देंगे, सारी सब्जेक्ट भी डाल देंगे, आपको 1 महीने से पहले पहले डाल देंगे। क्योंकि आपको अगर जनवरी में परीक्षा होना है, फरवरी में परीक्षा होना है, तो आपको दिसंबर में, दिसंबर के अंदर अंदर हो जाएगा सारे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।